कैसे जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं हम सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। अभी जी मेरी आ रही है नंद और बिलाल, उनको भी कॉल की थी पता करने, उन्होंने कल आना था लेकिन वो आ जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी छुट्टी है कल, तो वो आ जाएंगे तो कल चली जाएंगी। सुबह जी 5:30 बजे मैंने हांडी बनाई थी और वो बनाए थे मैंने भिंडी और वो अच्छी बनी थी। मैंने नाश्ता किया है, मेरी नन ने नाश्ता किया है, सबसे छोटी वाली ने बिलाल को ऑफिस के लिए पैक करके दी और इतनी सी रह गई। ठीक है, अभी बच्चे स्कूल से आएंगे तो बच्चे भी खाएंगे तो और थोड़ी रह जाएगी। तो अभी बुला गए हैं बच्चों को लेने के लिए और मैं बच्चों को नाश्ता करो, खाना खिला के नहला के तैयार करके तो अरबी बना लूँगी, क्योंकि अभी घर में वही अवेलेबल है तो अभी वही बना लूँगी। ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने बाज़ार भी जाना है, उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी है, मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी है। और मैंने लेना है असल में मन्हा और इशाल के लिए सूट, इशाल की बर्थडे है वो, उसका गिफ्ट भी हो जाएगा और साथ में वो बर्थडे पे वही ड्रेस पहनेगी। ठीक है, तो अभी जी बच्चे बस में जाने वाले, मैं सो गई थी सारे काम ख़त्म करके, 8:15 बजे मैं सारे काम ख़त्म करके सो जाती हूँ और मैं अभी उठी हूँ 12:15 बजे। बिलाल ने मुझे उठाया कि भाई उठो और बच्चे आने वाले, मैं बच्चों को निकल रहा हूँ लेने के लिए। एक दो चीज़ें बिलाल लेते हैं, जैसे कि बिलाल लीमू ले आएंगे, खीरे ले आएंगे, वो ख़त्म हुए हैं और वो बिलाल बच्चों को लेते हैं। मैं मुँह धोकर आई हूँ तो अभी काम शुरू करते हैं। फिर मैंने रात को तेल लगाया था सिर्फ टिप्स पे बालों के ना एंड पर तेल लगाया था, तो अभी शावर भी लेना है। पहले मैं खांडी बनाऊंगी फिर शावर लूंगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं सारे काम करने। यहाँ पर जी बाजी आ गई थी, हमने खाना खा लिया, चाय पी ली और हम बाज़ार आ गए। ये हैं जी वो वाइटन्स के प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे गई थी, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। ये है छोटी छोटी डिब्बियाँ जिसमें फेशियल है और ये नीचे एक और है, इसमें 4 डिब्बियाँ फेशियल की हैं और 2 जो इस तरह की आपको दिख रही हैं ये पॉलिशर है। इसी तरह डब्बी के स्टाइल में मेरे पास था थिनर। अभी जी हमारी शॉपिंग जारी है। फिर जी आगे थे हम लोग, आगे यहाँ से मैंने लिया था मन्हा और इशाल का सूट और इतनी शॉप्स देखी, मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, कोई पसंद नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक पसंद आया मैं जी। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह यहाँ पे बज रहे थे 6 और मैं अपने बच्चों को नाश्ता खिला रही थी। बच्चों से आज उठा नहीं जा रहा था क्योंकि रात को ये अपनी फूफों के साथ खेलते हुए बातें करते हुए बहुत लेट सोए थे, तो इनसे अब सुबह उठा नहीं जा रहा था। यहाँ पर जी मैंने कपड़े भी धो लिए थे, सारे कपड़े नीचे फैला दिए थे बच्चों की यूनिफॉर्म में, ऊपर ले आई थी सॉक्स, ऊपर ले आई थी। यहाँ पे था जी वेडनेसडे, तो वेडनेसडे और सैटरडे तो मेरे कन्फर्म है कि मैंने कपड़े धोने हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए मैंने कपड़े धोने। फिर यहाँ पर जी नमक, कुटी मिर्चें और चीनी बोतलों में भरने वाली हुई थी, वो मैंने कहा मैं साथ साथ भर देती हूँ और मेरी नन ने कहा कि मैं आज चली जाऊँगी तो हमारे लिए कुछ ना बनाए, तो मैंने फिर काले चने भी गो दिए कि चलो जी काले चने जो हैं बन जाएंगे तो कल जो है फिर मतलब शाम को मुझे हांडी नहीं बनानी पड़ेगी। यहाँ पर जी साथ ही मैंने बिलाल के लिए पानी की बोतल भर के फ्रीज़र में लगा दी और साथ में मैंने उनके लिए बनाई सिकंजी, एक बोतल में पानी है एक बोतल में सिकंजी है, वो जी मैंने भर के लगा दी। यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ सालन गर्म, अच्छा सालन ज़्यादा है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के हांडी पकाती हूँ लेकिन आज ये था, आज थोड़ा सालन ज़्यादा था। यही बिलाल ऑफिस ले जाएंगे और ये, क्योंकि कल मैंने 2 हांडियाँ बनाई थी, मेरे मेहमान आ गए थे तो एक हांडी मैंने ये बनाई थी, एक सुबह मैंने भिंडी कोश बनाया था वो कल ही ख़त्म हो गया था और इसलिए जो है मुझे दूसरी हांडी बनानी पड़ी थी। शाम को बिलाल यही ले जाएंगे, यही हम नाश्ते में खाएँगे और मेहमानों के लिए जो है बाज़ार से नाश्ता आएगा। और यहाँ मैंने चाय भी रख दी है और साथ में जी मैंने पेड़े बना लिए हैं, ये 3 हमारे नाश्ते के हैं और ये 2 बिलाल की ऑफिस की रोटियां हैं। यहाँ पर जी कपड़े सूख गए थे और मैंने ये सारे कपड़े प्रेस करने थे। यहाँ पर टाइम हो रहा था 9:15 और मैं जी आ चुकी थी इस्त्री करने, यहाँ पर मैं बिलाल को हाय कर रही थी और हमजा को भी हाय कर रही थी। हाय करें सारे। क्या दिखाऊं, अपना मुंह दिखाऊं, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ये बाजी रोटियां पका रही हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये इनकी रोटी अभी नहीं पकी, तुम्हारी रोटी है। काले चने पकने वाले हैं और साथ में मैं दूध भी उबाल रही हूँ। कपड़े जो है मैंने सारे प्रेस कर लिए, वहाँ से वहाँ तक ग्रिल पे लगा दिए, थोड़ी देर बाद इनको नीचे छोड़ूंगी। बिजी टाइम हो रहा है ये 12:15 और मैं आराम कर रही हूँ। बिलाल हर बंदा बीमार पड़ा, हर बंदा बीमार है, हम सेहतमंद है ना, दिमाग में प्रेशर टेंशन। ये हमजा सर है, बिलाल गुस्सा कर रहे हैं। बिलाल आपको किस पे गुस्सा आ रहा है? जा देख, कहना भी टाइम लगेगा, सांस ले लो।
ये तो सब लोग चले गए हैं, ये कपड़े सारे अभी ऊपर लेके जाने हैं, मेरे बच्चों ने आना, उन्होंने ये पहने हैं, ये सारे गीले हैं, वो गीले हैं, अभी मैंने सोफों पे डाल दिए हैं। ये मैंने प्रेस किए थे तो मैं नीचे ले आई थी, मेरे नीचे का पंखा चलता रहेगा तो ये कपड़े जो है यहाँ सूख जाएंगे। और साथ में डाले हैं यहाँ पे भी इस तरीके करके सारे कपड़े डाल दिए हैं कि ये भी हवा लगती रहेगी। मैं इसको कमरे में खड़ा कर दूँगी अब तो हवा लगती रहेगी और कपड़े जो हैं सूखते रहेंगे। मौसम ऐसे गर्म है तो ये सूख जाएंगे आराम से। फिर जब मैं कपड़े हैंगर करूँगी तो उसके बाद यहाँ से झाड़ू निकाल दूँगी। सफ़ाई तो मेरी हो चुकी है सुबह, लेकिन बाद में जो है मैं झाड़ू निकाल दूँगी। ये शॉपर बनाया है देने वाले कपड़ों का, जो आती है मांगने वाली उसको दे देती हूँ कपड़े। बाकी लाइटें बंद करते हैं, ऊपर चलते हैं। बिलाल जो है ऊपर हैं,